नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 27 जून से शुरू हो रहा है और ऐसे में आप सबके मन में एक डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर, हमें एंट्रेंस एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, या सर एग्जामिनेशन सेंटर पे हम क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्रेंस जब आप देने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे चेक होंगे और अपने साथ क्या क्या लेके जा सकते हैं, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जाननी जरूरी है। और आमतौर पर देखा यह भी गया है कि बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, कुछ चीजों को नहीं लेके जाते हैं तो उनको वापस आना पड़ता है और किसी न किसी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। हमने एक अभ्यर्थी का यहाँ पे पूरा एडमिट कार्ड ही खोल दिया जिसको समझाने के लिए, हालांकि मैंने प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए इनका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और इनका जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह और फोटो वगैरह छिपा दिया, लेकिन हाँ जो आपके काम की चीज है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके आपका भी एडमिट कार्ड ऐसे ही आया होगा, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले जिससे आपका जो भी कोर्स होगा यहाँ पे आपको कोर्स का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे आपका जो एग्जाम का डेट होगा लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा लिखा होगा, आपका कोर्स कौन है वो यहाँ पे लिखा होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परीक्षा केंद्र का कोड या कह लें परीक्षा केंद्र का नाम, हालांकि आमतौर पे देखा यह गया है और इस बार भी देखा जा रहा है कि डीडीयू अपने कैंपस में ही सारे एंट्रेंस कंडक्ट करा रहा है, तो डीडीयू यानी गोरखपुर के मेन कैंपस में ही मैक्सिमम बच्चों का सेंटर गया है अभी तक जो हम लोगों ने एडमिट कार्ड देखा है। तो डीडीयू के ही मेन सेंटर में आपको जाना है और एक बात स्पष्ट हो गई है कि आपको गोरखपुर शहर में जाकर एंट्रेंस देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटर का नाम लिखा होगा, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, हालांकि आपको डीडीयू यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक, अब यहाँ पे इतनी बातें आप समझ गए, आई जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है क्या क्या आपको लेके जाना है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश या कह लें निर्देश, हालांकि मैंने इसको पढ़ लिया है और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बहुत परेशान करे आपको, या बहुत कोई इसमें कोई बड़ा इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई नीट का एग्जाम नहीं है या फिर किसी बड़े यूपीएससी का एग्जाम की बहुत कुछ आपको यहाँ पे प्रिकॉशन रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे बताया क्या गया, हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ पहले पॉइंट में यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है, जो उसका नियम है प्रवेश का, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। अगर बीच में कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, पहले पॉइंट में कहा गया है। दूसरे पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपको दो, मतलब आप जो पेन लेके जाएंगे, या तो आप यहां लिखा गया है या तो आप ब्लू ब्लैक, ब्लू या कोई ब्लैक नीला या काला कह लें, आप जो है वाल व्हाइट पेन लेके जाएंगे, हालांकि शब्द को छोड़ दीजिए, सिंपली आपको या तो ब्लू पेन लेके जाइए या ब्लैक पेन लेके जाइए। हालांकि मेरा सुझाव आप सबके लिए रहेगा कि अपने पास दो पेन रखिए कि भाई अगर पेन अगर आपका कहीं खराब हो गया, कहीं गिर गया, गुम हो गया, ठीक है, तो दो पेन आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा। अगर आपके पास दो पेन रहेगा तो मान लीजिए कोई बगल में कोई अभ्यर्थी है उसके आप हेल्प भी कर पाएंगे, कोई अभ्यर्थी पेन लेके नहीं आया है तो भाई आप उसकी सहायता भी कर सकते हो, तो दो पेन ले जरूर लेके जाइएगा, दो पेन जरूरी है, ठीक है, या तो ब्लैक लीजिएगा या तो ब्लू लीजिएगा, क्योंकि देखिए ओएमआर सीट ऐसी रहेगी, ठीक है, ओएमआर सीट आपकी रहेगी, ठीक है, ऐसे एबीसीडी करके उसी को गोला करना होता है, मतलब ए बी रहेगा, बी सी डी रहेगा, उसी को गोला करना पड़ता है, मान लीजिए ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि ओएमआर सीट पे मैं एक वीडियो बना दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगला वीडियो ओएमआर फिलिंग का होगा। अब जो तीसरा जो है बताया ये क्या है कि भाई आपका जो सीट रहेगा उसी सीट पे बैठेंगे, कहीं और नहीं बैठेंगे, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप समझ रहे हैं कि भाई जहां आपका रोल नंबर रहेगा तो वहीं बैठेंगे। अब चौथा पॉइंट यहां पे ये कहा गया है कि आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम से लगभग आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, अगर आप लेट करेंगे तो दिक्कत होगा, है ना, तो आधे घंटे पहले पहुंच जाएगा भाई, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां कहा गया है कि आप किसी तरह का यहाँ पे मतलब कि कागज या कुछ लिख करके या इंस्ट्रूमेंट की कोई चिटिंग का कोई सामान नहीं लेके जाएंगे, बस इतनी बात कही गई। साथ ही साथ कोई डिजिटल आप जो है यहाँ पे जो है डायरी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाएंगे, कैलकुलेटर, बहुत सारे बच्चे आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं ब्लैक कलर का, तो आपको स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं किया जाएगा। जो मैं देखिए अभी मैंने जो एक वॉच पहना है, इस तरह का वॉच आप लेके जा सकते हैं,
ठीक है, हालांकि बेल लगती है 1 घंटे पे, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट वॉच जिन बच्चों के पास है वो उसको पहन के नहीं जाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगा आपको, निकाल दिया जाएगा, मतलब वॉच निकाल के रखवा लिया जाएगा, तो आप ऐसा वॉच पहन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, साथ में अपने पानी की बॉटल जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है और मान लीजिए कि अगर पानी के लिए भी अगर आपको पीने बाहर जाना पड़ा तो कहीं ना कहीं 5 से 10 मिनट आपका वेस्ट होगा, उससे अच्छा कि अपने पास आप पानी रखें और हर जगह का पानी अच्छा हो, ये जो है जरूरी नहीं हो सकता कि आपकी तबियत खराब हो जाए, तो पानी अपने पास जरूर रखिएगा 1 बोतल का, और जरूरत पड़ने पे वॉशरूम की सुविधा है। ऐसा नहीं है डीडू भाई कैंपस में आपका सेंटर गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने तरफ से आपको प्रिकॉशन रखना है, अपने तरफ से आपको सावधानियां रखनी है, ठीक है। इतनी बात कही गई है, बाकी ये कहा गया है 6 नंबर पे कि OMR को आप अच्छे तरीके से भरेंगे और वहां पे आपके इन्विजिलेटर रहेंगे, मतलब जो 2 से 3 टीचर रहते हैं एक रूम में, तो उनसे पूछ लेंगे। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा और बहुत जरूरी है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, OMR सीट फिल करने में गलती कर देते हैं, रोल नंबर की जगह कुछ और डाल देंगे, चूंकि सेट नंबर डालना होता है, उसके बाद डेट को भी जो है रंगना होता है। हालांकि मैं काम करूंगा, कल आपको OMR कैसे फिल करना एक वीडियो दे दूंगा, उसको देख करके आप OMR वहां फिल करेगा, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि भाई उस पे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपने 100 का 100 क्वेश्चन सही कर लिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए कि आपका 100 में से आपका 75 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, और पता चला कि आपने OMR में रोल नंबर फिल करते समय गलती कर दिया, रखते समय गलती कर दिया, तब तो हो गया, फिर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि देखिए वो कंप्यूटर चेक होना है, कोई टीचर थोड़ी चेक करेगा उसको, वो कंप्यूटर चेक होगा, अगर आपका रोल नंबर नहीं मैच करेगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 3 वर्षों में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती किए हैं और उनको फिर से बाद में यूनिवर्सिटी जा करके सही कराना पड़ा है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस हुआ है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहां इन्विजिलेटर रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, उनसे पूछने के बाद ही भेजेगा, हालांकि कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी बात थी, बाकी हालांकि इस पूरे इंस्ट्रक्शन में कहीं कोई आईडी प्रूफ ले जाने की बात नहीं की गई है, तो मैं मेरी तरफ से आपके लिए एक सुझाव है कि आप एक काम करिएगा कि आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, मतलब आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है, मेरी तरफ सुन लीजिए, अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाइएगा, दूसरा अपना जो है एक आईडी प्रूफ पे आधार कार्ड ले चले जाइएगा, तीसरा एक पानी की बोतल, और चौथा एक वॉच, क्योंकि समय देखना भी जरूरी है। बाकी जो बच्चे हैं नॉर्मली कपड़े पहन के जाइएगा और कुछ भी आपको नहीं करना है, और आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस। आपका सेंटर कहाँ गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी आपसे सेंटर में मुलाकात होगी, हमारे टीचर्स मिलेंगे और आपसे रिव्यू लेंगे और आपका जानने का प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस, और DNS पे लगातार क्लासेस चल रही हैं और स्पेशली DDU के लिए बहुत सारी मैराथन क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सबके एग्जाम्स के लिए फिर से बेस्ट विशेस, जिस चीज के लिए आपने लगातार 2-3 महीने से मेहनत की है वो दिन आ गया है, उसमें बढ़िया करके आइए और अपने आप पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छा करके आएंगे। अगर आपने मेहनत 3 महीने की है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस कॉन्फिडेंट रहिएगा अंदर से और इतना लेके चलेगा कि हाँ जितना मैंने पढ़ा उतना सफिशियंट है। अगर आप इस समय अगर आपका जो है मोटिवेशन या कह लें कि अगर डगमगा गया तो दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तक आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ते आए हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, जितना आपने पढ़ा उसको रिविजन करिए और DNS पे ढेरों सारे मैराथन सेशन DDU के लिए स्पेसिफिक आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।